Okay, now we will see the remedial measures, which means how can we correct the presence of autocorrelation in our model. Okay, now the first is when the structure of autocorrelation is known. Structure of autocorrelation means coefficient of autocorrelation, that is this rho. कि हम कह रहे हैं जहाँ पर इस रो की वैल्यू नोन है और एक पार्ट आएगा जब व्हेन वैल्यू ऑफ रो इज अननोन. तो वैल्यू ऑफ रो इज नोन मींस कि यहाँ पर कह रहे हैं हम ये मानकर चल रहे हैं कि वेयर मॉड्यूलस रो इज लेस देन वन. ये हमने एक अपने आप एज्यूम करके चलिए कि किसकी वैल्यू है, मींस एक टाइप से इस रेंज दे रहे हैं ये कि मॉड्यूलस की वैल्यू लेस देन वन और ग्रेटर देन माइनस वन, ये मॉड्यूलस है. ठीक है, एंड अभी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं जो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर रिग्रेसिव इक्वेशन है जहाँ पर हम कह रहे हैं कि वन पीरियड गैप है बिटवीन द एरर टर्म्स यू टी और यू टी माइनस वन. इसमें हम कह रहे हैं जो ये वी टी है जिसे हमने लास्ट वीडियोज़ में किया था, वी टी है ये ज़ूम करके चलेंगे. दिस एरर टर्म सेटिस्फाई ऑल द अजम्पशंस ऑफ ओएलएस रिग्रेशन, दैट इज मीन ऑफ वी टी इज इक्वल्स टू जीरो, वेरियंस ऑफ वी टी इज होमोसिडास्टिक, दैट इज सिग्मा स्क्वायर, एंड देयर इज नो ऑटोकोरिलेशन प्रॉब्लम बिटवीन दी टू सक्सेसिव एरर टर्म्स ऑफ वी टी. जब एरर टर्म आपकी वी टी है तब कोई ऑटोकोरिलेशन की प्रॉब्लम नहीं है. अभी कह रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अज्यूमिंग द रिलेशनशिप वन द ऑटोकोरिलेशन प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व इफ रो द कोफिशियंट ऑफ ऑटोकोरिलेशन इज नोन. अब हम कह रहे हैं अगर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, अगर हम कह रहे हैं ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू नोन है तो ये हम मैथमेटिकल चलेंगे कि हम कह रहे हैं पहले आपके एक टू वेरिएबल मॉडल है वाई टी इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स टी प्लस यू टी. ठीक है, ये हम अभी तक करके आए हैं सिंपल टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल. ठीक है, अभी कह रहे हैं बट यू टी यानी कि ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम किस में है एरर टर्म्स में, दैट इज यू टी इज इक्वल्स टू रो यू टी माइनस वन प्लस वी टी. ये इक्वेशन कैसे शो कर रही है ऑटो कोरिलेशन प्रॉब्लम और रो यहाँ पर क्या है नोन. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इफ़ वी टेक द लैग वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन, लैग वैल्यूज मीन्स कि वाई क्या बन जाएगा वाई टी माइनस वन बीटा नॉट प्लस बी वन बीटा वन एक्स टी माइनस वन प्लस यू टी माइनस वन, मीन्स जो टी टाइम पीरियड था उसको हमने लैग वैल्यू ले ली उसकी टी माइनस वन से. ठीक है, अभी कह रहे हैं अभी नेक्स्ट है कि हमें पता है हमें जब रो की वैल्यू पता है. ठीक है, इस जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसमें हमें रो की वैल्यू नहीं पता होगी, इज नॉट नॉन. और इसमें क्या है कि हमें जब रो की वैल्यू पता है तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस पूरी इक्वेशन को लैग्ड वाली इक्वेशन को विद रो, तो बन जाएगा रो वाई टी माइनस वन प्लस रो बीटा नॉट प्लस रो बीटा वन एक्स टी माइनस वन प्लस बीटा यू टी माइनस वन. नाउ सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, ये आया आपके पास. यहाँ हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया, वाई वाली टर्म्स एक साइड एक्स वाली टर्म्स एक साइड सॉल्व किया. अभी हम कह रहे हैं इस वाले वाई को हमने कंसिडर कर लिया वाई स्टार, बीटा नॉट यही रहा, बीटा नॉट क्या बन गया इस पूरे बीटा नॉट को लिख सकते हैं हम बीटा नॉट स्टार, इसको हम लिख सकते हैं हम बी एक्स वन एक्स टी स्टार वी टी. वी टी आपके यहाँ पे क्या है, ये पूरा ही हमने क्या करा इसको कंसिडर कर दिया वी टी. ठीक है, अभी कह रहे हैं देयरफॉर इक्वेशन फाइव बिकम्स वाई टी इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स टी प्लस वी टी. देखो हमने क्यों करा ये, हम कह रहे हैं देखो यू में प्रॉब्लम थी कि इस हमारी जो स्टार्टिंग की इक्वेशन थी उसमें यू टी था और हम बोल रहे हैं यू टी के में हमारा प्रॉब्लम है ऑटो कोरिलेशन की, एरर टर्म में क्या प्रॉब्लम है ऑटो कोरिलेशन की, तो इस यू टी को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं विद वी टी. ठीक है, विद द वेरिएबल विद द एरर वेरिएबल विच सेटिस्फाई ऑल द अजम्पशंस. तो हमने ये सब प्रोसेस क्यों करा है, सो दैट वी कैन रिप्लेस द कोरिलेटेड यू कोरिलेटेड एरर टर्म विद द नॉट कोरिलेटेड एरर टर्म, दैट इज वी टी. बिकॉज वी टी इज इन द अबव इक्वेशन सेटिस्फाई ओएलएस अजम्पशंस, द अबव मॉडल कैन बी एस्टिमेटेड बाय ओएलएस मेथड.